वेलकम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेस एनर्जी मीटर। इसके पहले टॉपिक में आपने देखा था सिंगल फेस एनर्जी मीटर। सिंगल फेस एनर्जी मीटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और सिंगल फेस एनर्जी मीटर कैसे वर्क करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेस एनर्जी मीटर। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि थ्री फेस एनर्जी मीटर होता क्या है। ए मीटर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ थ्री फेस सप्लाई इज नोन एज थ्री फेस एनर्जी मीटर। यानी वह मीटर जो थ्री फेस सप्लाई में पावर को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह थ्री फेस एनर्जी मीटर कहलाता है। और सिंगल फेस एनर्जी मीटर और थ्री फेस एनर्जी मीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थ्री फेस एनर्जी मीटर को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग सिंगल फेस एनर्जी मीटर को एक ही शाफ्ट के ऊपर यदि हम उसको कंस्ट्रक्ट कर दें, इंस्टॉल कर दें, तो वो जो एनर्जी मीटर होगा वो थ्री फेस एनर्जी मीटर होगा और टोटल एनर्जी जो उसमें खर्च होगा, कंज्यूम एनर्जी, वो तीनों फेस में खर्च हुई एनर्जी को कैलकुलेट करेगा, रिकॉर्ड करेगा। बाकी आपने सिंगल फेस एनर्जी मीटर में अच्छे से देखा है कि जो सिंगल फेस एनर्जी मीटर जो होता है उस पे चार कंपोनेंट्स होते हैं, ड्राइविंग मैग्नेट, ब्रेकिंग मैग्नेट और काउंटिंग मैकेनिज्म, और उसमें एक और होता है मूविंग मैकेनिज्म, मूविंग सिस्टम। वो सारे के सारे इसके अंदर भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक सर्किट डायग्राम देखते हैं यहाँ पे कि ये मीटर में होता कैसे है, कैसे ये मीटर वर्क करता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दो सिंगल फेस एनर्जी मीटर को यदि हम एक ही शाफ्ट के ऊपर में हम अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो वो एनर्जी मीटर थ्री फेस एनर्जी मीटर की तरह वर्क करने लगता है। तो इसके पहले आपने पॉलीफेस सप्लाई में पढ़ा होगा कि थ्री फेस सर्किट में पावर को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपने तीन मेथड पढ़ा होगा, सिंगल वाट मीटर विधि, डबल वाट मीटर विधि और थ्री वाट मीटर विधि, जिसमें सिंगल वाट मीटर विधि केवल बैलेंस लोड हो तभी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी टू वाट मीटर विधि जो है लोड चाहे बैलेंस हो या अनबैलेंस, दोनों ही कंडीशन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थ्री वाट मीटर विधि वो भी आपका बैलेंस लोड हो या अनबैलेंस लोड हो, दोनों ही सिस्टम से आप उसको पावर मेजरमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो आपको एक थ्री फेस एनर्जी मीटर का डायग्राम दिख रहा है ये एक्चुअली में पावर मेजरमेंट करने का ये टू वाट मीटर मेथड ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट के ऊपर में यहाँ पे हमने जैसे एक प्रेशर कॉइल ऊपर की ओर लगी हुई है, वही जिसमें आपका ई शेप मैग्नेट और सी शेप मैग्नेट आपने देखा था, तो यहाँ पे एक शंट मैग्नेट बोल सकते हैं उसको आप, या प्रेशर कॉइल बोल सकते हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक नीचे आपका यहाँ करंट कॉइल लगा हुआ है। बीच में डिस्क लगी हुई है और डिस्क के ये एक साइड में
यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है जो कि इस मीटर के अंदर ब्रेकिंग डिवाइस का काम करेगा, यानी ये जो मैग्नेट जो है ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट इसको हम कहते हैं। और इसी सेम शाफ्ट शाफ्ट के ऊपर में एक दूसरा प्रेशर कॉइल यहाँ लगा हुआ है और एक नीचे की ओर यहाँ पे करंट कॉइल लगी हुई है। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल एक ही शाफ्ट के ऊपर, कॉमन शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं और दोनों के लिए डिस्क जो है अलग अलग है और ब्रेकिंग मैग्नेट भी अलग अलग है। तो डिटेल्स तो आपको पढ़ बताने को सकता नहीं क्योंकि आपने सिंगल फेस एनर्जी मीटर में पढ़ चुका है। सिर्फ यहाँ पे हम इसका कनेक्शन देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये प्रेशर कॉइल का पहला जो प्रेशर कॉइल है और इन ये जो करंट कॉइल है इसको एक एक टर्मिनल को लेकर के हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इसको हम यहाँ पे आर फेस दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये बीच में आपका ये जो वाई फेस है, ये वाई फेस कहीं इस सर्किट में कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो फेस बी फेस है इसमें भी सेम हमने क्या किया है, एक प्रेशर कॉइल और एक करंट कॉइल इन दोनों को लेकर के हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ हम इसको बी फेस सप्लाई दे रहे हैं। मतलब ये 2 वाट मीटर मेथड ही है, जैसे कि हम 2 वाट मीटर मेथड में 2 वाट मीटर को हम किन्हीं भी दो फेस के बीच कनेक्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमने इसको कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऊपर पहली जो करंट कॉइल है इसको एक टर्मिनल पे हमने आर फेस दे रखा है, ये दूसरा फेस तो आपको डायरेक्ट जा रहा है लोड में, और तीसरा फेस आपका नीचे वाले जो करंट कॉइल है ये यहाँ से लोड में जा रहा है। तो ये जो एनर्जी मीटर है 3 फेस 3 वायर एनर्जी मीटर, 3 फेस 3 वायर एनर्जी मीटर, जिससे हम 3 फेस सर्किट में पावर को, पावर यानी सॉरी खर्च हुई एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मीटर जो है, ये मीटर वर्क कैसे करता है, क्या होता है कि जब यहाँ पे प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल इन दोनों कॉइलों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के कारण जो डिस्क जो होगा वो डिस्क मूवमेंट करेगा, घूमेगा, क्योंकि वो डिस्क जो है उसके फ्लक्स को काटेगा और उसमें एडी करंट उत्पन्न होगा और उस एडी करंट की वजह से ये जो डिस्क है ये डिस्क क्या होगा, घूमना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डिस्क जो है, ये पहला डिस्क और दूसरा डिस्क, ये दोनों डिस्क इस शाफ्ट को क्या करेंगे, घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 फेस लोड लगा हुआ है और लोड के अकॉर्डिंग जो डिस्क है वो डिस्क क्या होगा, मूवमेंट करेगा। और यहाँ पे जो इस शाफ्ट के साथ में जो ये छोटे छोटे गियर जो लगे होते हैं, जो आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लगा होता है, उस रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के द्वारा हम खर्च हुई एनर्जी को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर 3 फेस एनर्जी मीटर है और ये इस तरीके से वर्क करता है। और इसको हम इस तरीके से ही बना सकते हैं कि हम चाहें तो इसी शाफ्ट के ऊपर में 3 अलग अलग सिंगल फेस वाट मीटर, मतलब 3 प्रेशर कॉइल लगा होगा, उसमें 3 करंट कॉइल लगा होगा एक ही शाफ्ट के ऊपर में, तो वो जो एनर्जी मीटर जो होगा वो होगा आपका 3 फेस 4 वायर एनर्जी मीटर। ज़्यादातर इसी एनर्जी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें लाइटिंग लोड के साथ साथ आपको पावर लोड भी मिल जाएगा, लेकिन 3 फेस 3 वायर एनर्जी मीटर में
इससे आपको लाइटिंग लोड नहीं मिलेगा, ये केवल पावर लोड के लिए ही यूटिलाइज होगा। इस तरीके से जो थ्री फेस एनर्जी मीटर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, थ्री फेस थ्री वायर एनर्जी मीटर और थ्री फेस फोर वायर एनर्जी मीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जैसे आपने सिंगल फेस एनर्जी मीटर पढ़ा, थ्री फेस एनर्जी मीटर पढ़ा, उसी पर प्रकार आप सिंगल वाट मीटर भी पढ़े हो, और उसी में आगे आपका जो टॉपिक जो है थ्री फेस वाट मीटर भी है। तो आपको ये यहाँ बताना ज़रूरी है कि वाट मीटर और एनर्जी मीटर दोनों में ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। अंतर सिर्फ ये है कि वाट मीटर जो है वो सर्किट में खपत हुई पावर को मापता है, जबकि एनर्जी मीटर जो है वो खपत हुई एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। मैंने एक जो एनर्जी मीटर जो है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, और जो वाट मीटर जो है वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि थ्री फेस वाट मीटर और थ्री फेस एनर्जी मीटर, इसमें अंतर क्या है। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो यहाँ पे शाफ्ट के पास में छोटे छोटे जो गियर लगे होते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, या उसको काउंटिंग मैकेनिज्म बोल सकते हैं आप, वो काउंटिंग मैकेनिज्म इसमें नहीं होता। दूसरा चीज़, यहाँ पे डिस्क के जगह पे हम क्या करते हैं कि स्पिंडल का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी डिस्क की जगह क्या लगेगा, पॉइंटर, स्पिंडल के ऊपर ही पॉइंटर लगा होगा, और उसमें सेम स्पिंडल पे एक ही पॉइंटर होगा जो स्केल पे डिफ्लेक्ट होकर के रीडिंग को क्या करेगा, दिखाएगा। इस तरीके से इस टॉपिक के अंदर दो चीज़ कवर हो गई आपकी, पहला थ्री फेस एनर्जी मीटर और दूसरा थ्री फेस वाट मीटर भी। इसको अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपको दोनों चीज़ें एक ही टॉपिक में कवर हो जाएगा। और आई होप आपको वीडियो ये समझ में अच्छे से आया होगा, और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि सीटी और पीटी क्या होता है। सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर और पीटी मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इसका इस्तेमाल हम एसटी लाइन में कैसे करते हैं। धन्यवाद।